Hello everyone and welcome back to your own tuition, You Tuition. Up till now we had discussed all the basics of noun and we had covered the types of noun, we had covered uncountable, countable nouns and a few rules related to it. Also we had covered the use of apostrophe. So this video will talk mainly about gender. We are going to talk about gender, we are going to talk about the types of gender. And we are going to talk on how are you going to make the feminine form of any masculine gender. So keep on watching. So let's start with the last topic of noun, that is gender. So today we are going to discuss about common gender, feminine gender, masculine gender and neuter gender. तो हम इन चारों के बारे में डीपली स्टडी करते हैं. ये चारों जेंडर आखिर होते क्या है? कॉमन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन और न्यूट्रल जेंडर. ये आपके चार टाइप के जेंडर होते हैं जो नाउन से रिलेटेड होते हैं. ओके, फाइन. सो अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल, यहाँ पे मैंने एनिमल इससे लिखा है बिकॉज एग्जाम्पल्स आपको एनिमल के देने वाली थी इसलिए. तो अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल, बेसिकली जो भी वो सेक्स के बेसिस पे ही आपका जेंडर डिटरमाइन होता है. Okay, so if you are a male, you will come under the category of masculine gender. So a noun that denotes a female is known as, it comes under the category of feminine gender. तो वो सारे noun जो male के अंडर आते हैं, जो male हैं, वो आएंगे masculine gender के अंदर, और वो सारे noun जो female हैं, वो आएंगे feminine gender के अंदर. उनको feminine gender का बोला जाएगा, और जो male हैं, उनको हम masculine gender का बोलेंगे. अब कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो या तो फीमेल होते हैं या तो मेल होते हैं, वो दोनों भी हो सकते हैं. उन्हें हम क्या बोलेंगे? तो उन्हें हम कॉमन जेंडर बोलते हैं. इसीलिए अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल इज कॉमन जेंडर. अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो या तो मेल हो सकते हैं या तो फीमेल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेरेंट. अब मैं पेरेंट की बात करूं तो पेरेंट या तो फादर हो सकता है या तो मदर. तो इट कैन बी ईदर अ मेल और अ फीमेल. सो पेरेंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन जेंडर. सिमिलरली चाइल्ड. चाइल्ड कैन बी अ बॉय, इट कैन बी अ गर्ल. Okay, it can be a baby boy or baby girl. So that also comes under the category of common gender. Similarly, friend, student, baby, cousin, neighbor, infant, thief, pupil and servant. ये सारे जो मैंने nouns लिखे हैं यहाँ पे, ये या फिर noun या फिर या तो male हो सकते हैं या तो female हो सकते हैं. इसलिए ये सारे क्या होते हैं? हमारे common gender की category में आते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूटर जेंडर. अब न्यूटर का मतलब ही नीदर होता है. न्यूटर का मतलब क्या होता है? नीदर. तो अ नाउन दैट इज नीदर अ मेल नॉर फीमेल, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर. वो आता है न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में. ऐसा नाउन जो ना ही एक फीमेल होता है ना ही एक मेल होता है, वो आता है न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में, या फिर हम उसे न्यूटर जेंडर बोलते हैं. बेसिकली न्यूटर जेंडर सारी चीजों का नाम होता है. फॉर एग्जाम्पल बुक्स, पेन, रूम, ट्री, टीवी या बॉक्सेस, सारे देखिए आप नॉन लिविंग थिंग हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स का कोई जेंडर नहीं होता. ये ना तो फीमेल होते हैं ना तो मेल होते हैं, इसलिए हम इनको कैटेगराइज करते हैं न्यूटर जेंडर के अंदर. कई कई बार हम, आपने अगर पोएम्स पढ़ी होंगी, कई कई प्रोजेस पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि पोएट ने या फिर ऑथर ने बहुत ही ब्यूटिफुली किसी एक ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई कर देते हैं. अब पर्सोनिफाई करना क्या होता है? मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को एक इंसान का रूप दे देना, उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स पर्सोनिफाई करना बोलते हैं. तो कई कई बार जो ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा, जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, वॉयलेंस होते हैं, उन्हें वो पोएट या ऑथर कैटेगराइज कर देते हैं मैस्कुलिन जेंडर के अंदर. फॉर एग्जाम्पल सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, ये सारे बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही वॉयलेंट है. इसलिए जो भी लिखने वाले होते हैं, या तो कवि होते हैं या तो फिर लेखक होते हैं, वो उन्हें क्या कर देते हैं? मैस्कुलिन जेंडर के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं. इसलिए हम अगर कभी भी सन को की बात की जाए तो हम हिस के बाद नाम से या हिस प्रोनाउन यूज करेंगे उनके लिए. तो द सन शेड्स हिस बीम ऑन रिच एंड पुअर अलाइक. सो यहाँ पे मैंने हर ना यूज करके हिज यूज किया बिकॉज सन इज कैटेगराइज और कंसिडर्ड टू बी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर. सिमिलरली कई कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम फेमिनिन जेंडर के कैटेगरी में बेस करते हैं. वो क्यों होता है ऐसे? क्योंकि या तो वो बहुत ब्यूटिफुल हैं, ग्रेसफुल या जेंटल होते हैं बहुत. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मून का. इफ़ यू ऑल हैव रेड द पोएम अबाउट द मून, द मून एक ऐसी पोएम है, मुझे पोएट तो याद नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत ब्यूटिफुली कैटेगरी मून को एक वुमेन के रूप में बताया उस पोएम में. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम, एंड इसलिए मून को हमेशा फेमिनिन जेंडर को बोला गया. और आपने हमेशा सुना भी होगा कि एक फीमेल की तारीफ भी मून से जोड़ के की जाती है. सो द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, इसलिए अर्थ भी हम धरती माता बोलते हैं.
ओके, तो अर्थ को भी हमने फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में डाला है. तो मून, अर्थ, स्प्रिंग, नेचर, पीस, होप, मर्सी, जस्टिस, ये सारे जो चीजें हैं यहाँ पे, ये सारे नाउन्स हमने कैटेगराइज किया है इसको फीमेल फेमिनिन जेंडर के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, द मून हिड हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स. मैंने हिड हर बोला, हिड हिज नहीं बोला. ओके, मून इज कैटेगराइज टू बी वेरी जेंटल एंड वेरी ब्यूटिफुल, एंड दैट इज वाई शी इज कैटेगराइज अंडर द कैटेगरी ऑफ फेमिनिन जेंडर. So now let's see the ways to form feminine of noun. अब ना आपको noun तो दिया होगा, अब उनको आप feminine gender में अगर convert करना होगा तो इसके बहुत सारे ways होते हैं. कई कई बार तो हम entirely different words से gender बना देते हैं feminine. जैसे कि हमने boy का क्या बना दिया, girl. Brother का क्या बना दिया, sister. Drone, bee, monk, nun, lord and lady. So in this way, sometimes when you get the feminine, masculine gender, you make a entirely different feminine gender out of it. So this is one category. ये एक मैंने आपको सिर्फ 5-5 examples दिए हैं, ऐसे बहुत सारे genders हैं जो आप पता कर सकते हैं. And you can also comment it down in the comment section if you all get one. Second category is you can add ess. You can add the syllable ess. आपके जो भी masculine gender है उसके आगे बस आप ess add कर दें तो आपको एक नया feminine gender मिल जाएगा. तो author का हमने क्या बना दिया, author के आगे हमने ess लगा दिया, तो this becomes authoress. Host के आगे हमने again ess लगा दिया, so this becomes hostess. Similarly, poet becomes poetess, lion lioness, and priest becomes priestess. Okay, so this was, what did I do over here? I just added an ess to my masculine gender. The third rule is that you have to add an ess, but you have to remove the last vowel. Vowel क्या होता है? A-E-I-O-U. These are your vowels. So ये सारे letters जहाँ पर भी हैं, आपको उनको ये last letter अगर ये आया है, तो आपको इसको remove कर देना. For example, actor. तो हमने क्या किया? A-C-T, R को, O को हमने remove कर दिया, right? और ए सी टी आर, और हमने क्या किया, ई एस एस लगा दिया. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ मेकिंग योर फेमिनिन जेंडर. सो एक्टर का हमने बना दिया एक्ट्रेस, वेटर वेट्रेस, या हंटर का हंट्रेस बना दिया हमने, प्रिंस का प्रिंसेस, और टाइगर का टाइग्रेस. तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो हमने हर जगह ऐसे वर्ड्स में जो लास्ट का वॉवेल है हमने वो सारे रिमूव करके ई एस एस लगा दिया. तो दिस वॉज अ थर्ड वे ऑफ मेकिंग योर फेमिनिन जेंडर. अब जो हम नेक्स्ट कैटेगरी देखने वाले हैं, वहां पे क्या हुआ है, मैस्कुलिन जेंडर को थोड़ा बहुत चेंज करके हमने क्या लगा दिया, ESS लगा दिया. फॉर एग्जांपल, एम्परर को हमने क्या बना दिया, एम्प्रेस. मास्टर को क्या बनाया, मिस्ट्रेस. गॉड को गॉडेसेस. ओके, ड्यूक डचेस, गवर्नर गवर्नेस. इन दिस वे इफ यू सी, यहाँ पे हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए मैस्कुलिन नाउन में और हमने उसको ESS एड किया फिर, और हमने उसका फेमिनिन जेंडर इस तरह से बना दिया. लास्ट कैटेगरी जो हम देखने वाले हैं वो है कंपाउंड नाउन. अब कंपाउंड नाउन क्या है, व्हेन यू हैव गॉट 2-3 वर्ड्स एज अ मिक्सचर एज अ नाउन, दैट इज नोन एज योर कंपाउंड नाउन. तो कंपाउंड नाउन में फादर इन लॉ, नाउ फादर इज अ मेन मैस्कुलिन थिंग ओवर हियर, मैस्कुलिन नाउन ओवर हियर. तो फादर का हमने सिर्फ कन्वर्ट कर दिया, सॉरी कन्वर्ट कर दिया मदर में, एंड दिस बिकम्स मदर इन लॉ. सिमिलरली हेडमास्टर को क्या बना दिया, मास्टर का. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मास्टर का फेमिनिन जेंडर मिस्ट्रेस होता है, तो हेडमास्टर का हमने बना दिया हेडमिस्ट्रेस. Grandson, granddaughter, landlord and landlady. So in this way, in this video I had told you all the different ways of how to form feminine gender out of the male gender. So agar aapko ye video pasand aaya ho to please like, share and subscribe. Also do not forget to comment down if you like the video, and thanks for watching. Happy learning.